एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सौरभ उदासी का सीजन 4 का एपिसोड 19। आइए देखते हैं। निर्जल ने जो कहा क्या वो सच है? ये आदमी अल्पविश है। दुरुस्त है भाई, अल्पविश हमारे साथ नहीं था, वो बाकी कबीले के साथ आ रहा था। कुछ पता नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। आई मुझे यकीन है बहादुर ने इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। हमें सीन के कोपे के गला कोई सबूत नहीं है। चलो भाइयों, इसकी लाश को यहां से उठा दे। आ जाओ भाइयों। शाबाश। मुझे अल्पमिश का बताओ क्या हुआ है उसे। अल्पमिश ने छुपकर अस्मा से कबीले के बाहर मुलाकात की और फिर उसे मार डाला। यानी जहर देने वाली अस्मा थी। हाँ, असलहान ना खुद का बड़ा कबीले का सरदार समझने लगी थी। अस्मा अगर गद्दार थी तो तुम्हारा सिपाही अल्पविश भी गद्दार था। बात यकीनन तुमने अल्पविश के जरिए ही अस्मा को जहर देने का हुक्म दिया। ये सिर्फ एक इंसान है और कुछ नहीं। और तुरुण सरदार अल्पविश बदबख्त बाकी कबीले के साथ था। यहां क्या करने आया था नहीं जानता मैं, तो तुम अब भी सच नहीं बताओगे। अल्पविश से यह काम तुमने करवाया था। अस्मा को सोने का लालच देकर इस्तेमाल किया तुमने। ये सब झूठ है, झूठ है। ये अल्पविश ने ये सब किसके कहने पर किया मैं नहीं जानता। हाँ, तुम्हारी नियत अगर मुझे जान ताकि दोनों को सुकून मिल जाए, जब तक वो असल मुझे तुम्हारी पीठ में छुड़ाना घूमते अतुल सरदार। दोबारा कहो तुमने जहर दे दिया। मैंने जहर नहीं दिया अतुल सरदार। मैं तुमसे या मौत से नहीं डरता, जो कर सकते हो कर गुजरो, मगर ये जान लो जहर नहीं दिया मैंने। भाई भाई वो एरिस जमींदार ऐसा है। सिपाहियों, हुकुम भाई, बांध दो इसे, वापस आकर निपटता हूं इससे। यहां क्या कर रहे हो एरिस? खबर मिली थी मुझे, सोचा शायद आपकी मदद कर सकूं। यानी खबर तुम तक पहुंच गई। काफी तेज कान है तुम्हारे। यहां से हाली बाजार तक सबको मालूम हो चुका है। तुरंत
हैसियत कबूल कीजिए, जिंदा है अभी। कौन मेहमक ऐसा जहर बनाता है जो मौत में इतना वक्त लगा है? जो चाहता है कि मरने से पहले वो गर्भ सहे। हाय हाय हाय, बहुत गहरी रंजिश होती है। आओ मेरे साथ। क्या होता है कुछ बता दे आइडिया, कौन से टाइप का जहर हो? केलों को तो बहुत नॉलेज होती है। वो भी तो बनाती थी पहले, पता है बहन उसकी। जंगल में भटक रहे हैं हम, रास्ता नहीं मिल रहा है हमें, कुछ नहीं पता। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। What?
हालत बहुत नाजुक है दोनों की। मुझे डर है कि सूरज के ढलने तक दोनों चावल नहीं। अरे रे चाहिए तुम्हें। सरदार ने तुम्हें मुबारकबाद भेजी है। तुम्हारा दिया हुआ शहर बहुत मौसर रहा। उन्हें एक शीशी और चाहिए, मिल जाएगी। जहर का तिरयाक बनाने के लिए क्या इसी सांप का जहर इस्तेमाल करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल। तो फिर आइंदा ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। मुझे क्यों मारना चाहते हो? ताकि ये राज हमारे सिवा कोई ना जान पाए।
अरे ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब इस शहर का दिल याद बनाने वाला कोई नहीं बचा। वो निकलना चाहिए और ये लोगों को पता चलना चाहिए समझो। यही है वो घर, मोहताज रहना भी हो सकता है। यहाँ आने वाले शख्स ने तमाम जानवरों में से सिर्फ इस सांप को मारा। तो तुर्गुत और असलेहान खातून को दिया गया जहर इसी सांप से निकाला गया है। तिर्याक हासिल ना हो सके इसलिए इसे मार दिया। भाई ये 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 सांप उनके लिए तिर्याक कैसे बनाएंगे? डंक में जहर हुआ तो हम बना लेंगे बंसी। जल्दी से मुझे खाली बोतल दो। भाई इंशाल्लाह इसमें जहर मौजूद होगा और अगर मौजूद हुआ तो जल्द हम तेरी आंख भी बना लेंगे। जमा कर लेता हूं जो अद्वियात बनाने में काम आएगी। बिल्कुल ठीक है तो भाई।
गुनगुन, आर्थिक भाई के साथ रहना, तो इन्हीं के साथ आना। मैं और बंसी ये तैयार लेकर तभी ले जाते हैं। जल्दी जाओ। बिल्कुल जी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। खैरियत से चली भाई। क्या आप यहाँ उड़ने वाला घोड़ा लेने आए हैं? नहीं, मैं
वक्त आता है, जैसे ही वो आएगा मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, चले अब चलते हैं सरदार गुंडूस। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सिपाहियों को बता सकते हो। कबीले से वाकिफ नहीं हो तुम, इसलिए खैमे से ज्यादा दूर नहीं जाया करो। बहुत शुक्रिया। पूरा कबीला मुझे जान जाएगा। का मालिक और वो सांप जिससे जहर निकाला गया था, अब फर्क नहीं पड़ता। अब असलहार खातून और दुर्गुत के सरदार का कोई इम्कान नहीं है अमीर हजरत। अफसोस, अगर थोड़ी भी अकल होती तो आज तुम्हारा शुमार सलजूक की इंतहाई मोहतबर खवातीन में होता। लेकिन अब इसे माकम का खमियाजा जानते की भुगतों की। अगर अब तुम्हें अकल आ भी जाए तो क्या फायदा। अलविदा असलहान खातून। बच जा यार। अलविदा। खुशहाली और बर्बादी अब मेरी ही मर्जी पर मुनहसर है। हर किसी को मेरी इताअत करना होगी और जो ऐसा नहीं करेगा अपनी जान दे के वो इसकी कीमत चुकाएगा। चाहे अब्दुल हो बहादुर बच जाएगा। अब तो मैं बोलेंगे ना कि जो जहर सुल्तान को दिया था वही सेम है। सेम तो नहीं है पर उसकी जड़ी बूटी वहां पे वही है। मेरे को लगता है बच जाएगा। क्या आपको कोई त्रियाक मिला अब्दुल साहब? एरिस बिल्कुल सही था, त्रियाक मिल गया है। मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करना कमाल था। उम्मीद है दोनों सहतियाब हो जाएंगे। अब्दुल साहब त्रियाक लिया है। चलो चलो निकाल दी थी यार।
जाए बस बच जाए। बहादुर की बहादुर ही निकल गई पूरी। नहीं ये गलत है नहीं है उसके उसको सजा मिल जाने से बच गया। इसके साथ ही होना है, इसके साथ ही वही हो रहा है। उसकी तफ्तीश पूरी नहीं हुई अभी तक। तफ्तीश पूरी हो चुकी, अब तुम्हें सजा देनी है, यानी मेरी मौत का वक्त आ चुका है। सिपाहियों से कहो मेरी कमान लेकर आए, अगर मुझे मारना ही है तो सरदारों की तरह मेरी कमान से मेरा गला घोटा जाए। परेशान मत हो तुम, अर्तुरुल भाई हर एक को वही सजा देते हैं जिसका वो मुस्तहिक होता है। चलो तो ये शिवा दे दे वाला है, तो ये जिंदगी बख्शने वाला है। इस असीयत से निकाल दे मेरे बच्चों को मेरे मालिक, इन्हें सेहत याब कर दे या अल्लाह। अच्छा
बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त। लेकिन जब वो दो तीन एपिसोड से जो जान ऊपर नीचे हो रही है ना, फाइनली अभी सुजान को होश भी आ गया है थोड़ा। लेकिन क्या क्लोज कॉल था, उन लोगों ने उसको ही मार दिया। लेकिन अच्छा वो आर्तुक साहब सही साथ में है, वही मैं वही उन्होंने सही बोला ना, ये समझिएगा भी नहीं यहां पे मैं कुछ कर ही नहीं सकता व्यूअर्स। हां मैं यहां जा रहा हूं, वो साथ में है तो वो हेल्प हो गई टाइम पे, वो जहर निकाल दिया उन्होंने उस हमारे हिसाब से कि जस्ट तभी से मारा था वो रहेगा उसके टांके में से, तो उस चक्कर में ना एटलीस्ट बोलते ना दवा बन गई और टाइम पे पहुंच गए, पर लेकिन अभी तुरुत को होश नहीं है, आ जाएगा वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो इतना यार वो शक्ल देख रहे हो, एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये सब मैं बोलते ना आधा खोखला ही कर दिया। इतना तो है कि अभी एरिस ने अर्जुन का भरोसा तो जीत लिया है, क्योंकि उसमें बहुत इम्पोर्टेंट आदमी और लड़की दोनों, और दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों है बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों दोनों को भी लेकिन इम्पोर्टेंट है दोनों। तो अब इधर से क्या होएगा एरिस और अर्जुन का रिलेशन का, वो सीन है। अब मेरे को डर है गुंडूस का, हाँ इसका क्या होगा, बिकॉज उसको किडनैप करके ले गया तो ये है, और ऊपर से सुल्तान यहाँ क्यों हो गया अचानक से, शुरुआत से ही नारायण दोस्त ने छुड़ाया भी था, परेशान कर रहा है। अरे रे रे रे, बस यार अभी चलो देखना होगा आगे अब सुल्तान क्यों आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दो, लाइक करो।